आज मंगलवार 5 मार्च को बीदर सीएमसी में बजट मीटिंग आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में भाग लेने के बाद सीएमसी परिसर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काउंसलर्स ने मीडिया से बात की। उनमें जिला एआईएमआईएम अध्यक्ष अब्दुल अजीज मुन्ना, शशि होसरली, सुनील बच्चन, राजू चिंतामणि और अन्य ने मीडिया से बात की और इस बजट मीटिंग और अपनी मांगों के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। नमस्ते करता हूं, मेरा नाम सुनील बच्चन साहब है, नामेड काउंसलर मैंने बना हूं और हमारे जनाब राइम खान साहब मिनिस्टर साहब और ईश्वर साहब मिनिस्टर साहब मिलके मेरे को नामेड जो बनाए हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे जो सीनियर लीडर हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं, हमारे जापसड़ी साहब अध्यक्ष हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूं और बीदर के हमारे जितने भी लोग मेरे छात्र करते हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ इस मौके पर। और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे एरे से अध्यक्ष जो बनाए गौस भाई उनको भी मैं नमस्ते करता हूँ और वाइस प्रेसिडेंट उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हम नामनेट जो बनाए 5 जने को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बीदर में जितने भी जो पेंडिंग पड़े हैं और एक इतिहास बनाना बोल के बोल रहे हैं हम, चुप कौन सा भी नामनेट कौन सा बन के मैं जाने वाला नहीं है हमें तो एक इतिहास बनाना है बीदर में। दिखना बाहर के लोग आए तो भी दिखना कि अरे बीदर कितना सुंदर है बल्कि ऐसा हम करने वाले हैं और हमारे अध्यक्ष हमारे को सपोर्ट करते हैं और हमारे मिनिस्टर साहब भी सपोर्ट करते हैं और सब लोग मेरे को सपोर्ट करके इस माहौल बनाना चेंज करना चाहता हूं और अच्छा काम करेंगे, एक इतिहास बनाएंगे बोल के बोलूँ और मैं धन्यवाद करता हूं सबको। मैं नमस्कार, सुनील बच्चन साहब नवदगिरी। तो जनरल बॉडी मीट बजट मीटिंग इत्तु, ई वंदु बजट मीटिंग नल्ली नाम फलकगळ बग्गे स्वल्प सुदीर्घवागि चर्चेयायितु। ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರು ಉರ್ದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನದು ನಾಮಫಲಕಗಳು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ತೆಗೆದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನದ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನಗರಸಭೆ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಏನದ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯಿತು, ಮುಂದೆ ಬರುವ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಯ ನಮ್ದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದಾವ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಲೈಟ್ಗಳು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾವೇನದ 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಒಂದು 15-1 ತಿಂಗಳು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನದ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾಮಫಲಕ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಜ್ ಬೀದರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇ 5 ಮಾರ್ಚ್ ಕೋ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ರಖಾ ಗಯಾ ಥಾ. बजट तो फरजबख्श नहीं था, बहुत सारे चीज़ें जो आवाम की ज़रूरतों के थे कुछ चीज़ों को ध्यान में न रखा गया. देखिए आने वाले समर में पानी का मसला है और उससे हटकर अगर बेमौसम की बारिश हो जाती है उसके लिए जंगी पैमाने पर काम करने के लिए अभी बजट मीटिंग में जो है ना कहीं लावारिस मैयत हो जाती है उसके लिए, फिर बजट मीटिंग में ये रखना चाहिए था कि आने वाले बारिश और सरमा में कैंप लगाकर जो बेघर लोग हैं उनके लिए सहारा देने के लिए ये चीज़ें बजट मीटिंग में रखना था, ये चीज़ों के लिए बजट रखना था जिसमें जो है ना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सदर और नायब सदर प्रिपेयर होकर नहीं आए थे. देखिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका होने दो, जो हमारे भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट होने दो, गरीबों के लिए उनका खाना पीना, उनका आशियाना और उनका इलाज मुफ्त करना ये संविधान में लिखा गया है. ये चीज़ों से जो है ना सीएमसी खाली इतने ही जहन में बना लेती है कि हम यहाँ पर पानी देंगे जो मैसर नहीं है, स्ट्रीट लाइट देंगे, जबकि जो है ना म्यूनसिपल मिनिस्टर हमारे बिदर नॉर्थ के हमारे इलाके के होने के बावजूद जो है ना एक बल्ब तक जो है ना लगाने के लिए सीएमसी में अवेलेबल नहीं है. ड्रेनों की सफाई चल रही है 5 सालों से बोलने के बाद, अभी एक 50 लेबरों को 45 दिन के लिए लिए हैं. बड़े अफसोस की बात है, इससे पहले 2-3 महीने पहले भी लेबरों को लिए, वो बच्चे एक आस में नौजवान आ रहे हैं वो गरीब तबके से, उन लोगों को 2-3 महीने पहले भी ऐसी प्रैक्टिस पे बोलकर 1-2 महीने के लिए लेकर निकाल दिए और लेबरों को जो है ना यहाँ पे सीएमसी से डीपीएस अगर कर देंगे तो उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में सीएमसी से पैसा आएगा.
ये तमाम चीज़ें जो है ना बजट में होनी चाहिए थी, बजट में ये चीज़ नहीं रखे। लेकिन हम तमाम मेंबर्स मिलकर बजट के मुखालिफत में इसलिए नहीं गए क्योंकि 6-6 महीने से हमारे बलिया के एम्प्लॉय का, कॉन्ट्रैक्टरों का पैसा रुका हुआ है, तो होना ये चाहिए था। ये तमाम चीज़ों को जहन में रखकर अच्छा एक बजट रखते जिससे सबका फ़ायदा हो। यहाँ पर जो है ना कुछ लोगों का फ़ायदा हो रहा है। और रही बात पिछले 10-12 साल से उर्दू में एजेंडा दिया जाता था, गुज़िश्ता जनरल बॉडी मीटिंग में भी उर्दू में एजेंडा नहीं दिया गया, तो इस मरतबा हम कमिश्नर साहब से और सदर मजलिस मोहम्मद गौस साहब से, सदर मजलिस बल्दिया मोहम्मद गौस साहब से मुतालबा कर रहे हैं कि आने वाली जनरल बॉडी मीटिंग में जो 13 तारीख को होने जा रही है उसमें उर्दू में भी एजेंडा दिया जाए। जिस तरह से हमारे साथी कौंसलर बता रहे थे, कन्नड़ा के बोर्ड साइन बोर्ड जो शॉप पे दुकानों पे छोटे से बड़े दुकानों पे लगाए, एक ऑर्डर आया गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के 60% कन्नड़ा में रहना, थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए अगर आप एक महीने का टाइम दे देंगे तो हज़ारों दुकानें हैं, उन पेंटर कहाँ से लाएंगे, प्रिंटर कहाँ से करेंगे, लगाएंगे कहाँ से। पहले महंगाई से, बेरोजगारी से कम कारोबार होने से लोग परेशान हैं, वो दुकान वालों को भी थोड़ा वक्त देना चाहिए। अब रही दूसरी बात, आने वाले जनरल बॉडी मीटिंग में अगर ये लेबरों का DPS ना किया जाए, तमाम मसाइल बल्दी मसाइल शहर के अगर हल ना किया जाए, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके ऊपर पुरजोर जो है ना इस्तेजाज करेंगे। हमारे शहर में बल्दिया एक ऐसा अमला है जो खासकर लेबर तबका सुबह फजर से उठकर रात में 2 बजे तक ये लोग काम करते हैं। इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करना ये गलत बात है। म्यूनसिपल मिनिस्टर हमारे क्षेत्र के हैं, बीदर CMC लिमिट को इस तरीके से करना चाहिए कि एक तारीख, एक हिस्ट्री में जो है ना, हिस्ट्री में रहीम खान साहब को याद रखा जाए। जिस तरीके से म्यूनसिपल मिनिस्टर मरहूम हुमनाबाद के MLA मिराजुद्दीन पटेल साहब को बनाया गया था, उस टाइम पर कर्नाटक स्टेट के तमाम एम्प्लॉय को जो है ना रेगुलाइज किया गया था और तमाम बल्दिया को बजट के लिए एक कानून बनाया गया था। उसी तरह पर जो है ना रहीम खान साहब, अब तो हुकूमत इनकी है, मिनिस्टर ये है, बिदर के MLA है, बिदर में जो है ना जो म्यूनसिपल के प्रेसिडेंट है कांग्रेस के है, और तमाम काउंसलर जो 35 काउंसलर है सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे काम के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब से और हमारे सदर मजलिस बल्दिया से कि वो अच्छे काम कर करीब लेबरों के बारे में भी देखेंगे और शहर के बारे में भी सोचेंगे। इतना जो म्यूनसिपैलिटी में बजट मीटिंग था, वो बजट मीटिंग को हम अपोज नहीं करते हुए, हम बजट मीटिंग को अगर अपोजिशन के लोग हम अपोज करें तो ये पेमेंट नहीं होता, नौकरी करने वाले की सैलरी नहीं होते, डीजल डालने के लिए भी पैसे नहीं मिलता, वो समझकर हम शर्त रखे थे अध्यक्ष जी के पास जाके 7 दिन के अंदर जनरल बॉडी मीटिंग बुलाना। बीदर शहर के यहाँ मिनिस्टर साहब होते हुए भी लाइट नहीं है, रोड नहीं है, ड्रेन नहीं है, पानी नहीं है, ये प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए 7 दिन के अंदर इमीडिएट मीटिंग रखना बोले तो बोल के हम जो डिमांड करें पूरे अपोजिशन के काउंसलर मिलके, वो अध्यक्ष मान लिए हमारे बात। आने वाला 13 तारीख को जनरल बॉडी मीटिंग रखा है, वो मीटिंग में हम सविस्तर जो बीदर के डेवलपमेंट के बारे में बात करके लाइट का, पानी का, रोड का जो भी समस्या है वो सुलझाने के लिए हमारे ही मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर हमारे म्यूनसिपैलिटी के मिनिस्टर, उनके पास भी हम रिक्वेस्ट करते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ क्या भी बजट है लाना, बीदर शहर को ऐसा करना। पहली बार म्यूनसिपैलिटी मिनिस्टर बीदर के हुआ है, बीदर सिटी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना है, डेवलपमेंट काम के लिए हम पूरे अपोजिशन वाले साथ देते। और एक बात, जो आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले म्यूनसिपैलिटी को लेटर दिए, जो दुकानों के ऊपर इंग्लिश बोर्ड है, हिंदी बोर्ड है, उर्दू बोर्ड है, वो हटाना बोल, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का जो ऑर्डर है 60% कन्नड़ में वो लिखना बोल के, उसको हम भी स्वागत करते हैं। और हम इतना ही चाहते हैं आज म्यूनसिपैलिटी मीटिंग में हम सभी काउंसलर मिलके 2 महीने का टाइम दिलाया है दुकान वाले को, इसीलिए कि एक एक बोर्ड 1-1.5 लाख का बोर्ड है, इमीडिएटली कल ही चेंज कर ले बोले तो वो नहीं होता। अभी बिजनेस नहीं है, मार्केट खराब है, लोग बहुत परेशान में है, ये वक्त ये टाइम में हम लोग स्ट्राइक करें, उनका बोर्ड निकाले, वहाँ जाके लड़े झगड़े बोल करें तो वो लोगों का बिजनेस अभी खराब होता है। उसलिए हम कन्नड़ा संगठन वाले से भी अपील करते हैं, उनको 1-2 महीना टाइम दीजिए, उसके बाद खुद ब खुद वो लोग कन्नड़ में लिख लेते। हम ऑलरेडी म्यूनसिपैलिटी में वो पूरे अपोजिशन वाले मिलके 2 महीने का टाइम दिला है, वो लोगों तक ये मैसेज पहुंचना बोल के आप लोगों के माध्यम से हम पूछना चाहते हो। ऑलरेडी मीटिंगनाग मतडिदेव, मीटिंगनाग मतडी कमिश्नर बल आदेश माक हचिदेव, 2 तिंग कालवकाश को
यार बोर्ड चेंज ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರಗಾಲ ಇದ್ದಂಗ ಅದ ಇವತ್ತು ಜನರ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪರೇಶಾನ ಅರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಯಾವ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಾಗ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲದ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು सुनो मैं बोलता हूँ स्टैंप ड्यूटी करने का केंद्र का हाथ नहीं रहता स्टैंप ड्यूटी डबल टिबल कर दिए शराब का रेट डबल टिबल कर दिए जो 2000 देने का वादा करे कर्नाटक सरकार ये 2000 दे रहे 10000 छीन ले रहे जीएसटी सेंटर को जाता है सर 2000 दे रहे 2000 दे रहे 10000 छीन ले रहे उसलिए अभी मार्केट में बिजनेस नहीं है पूरे रियल एस्टेट बैठ गए पूरे सब कपड़े के बिजनेस बैठ गए सब बिजनेस बैठ गए बर्बाद हो गए लोग हम यही चाहते हैं सरकार उनके ऊपर अभी दबाव नहीं डालना बिजनेसमैन के ऊपर उनको टाइम देना 2 महीना 3 महीना टाइम देके बोर्ड चेंज करने के लिए बोलना अभी हम ऑन मार्केट में आज जो घटना हुआ कन्नड़ संगठन वाले बोल के जाके एकदम 10 मिनट में जाको बोर्ड निकाल दो वो फेंक दो करे तो वो गरीब दुकान वालों को नुकसान पहुंचाता आपको करना है स्ट्राइक अभी अच्छा मुद्दा है पानी नहीं है रोड नहीं है लाइट नहीं है हमारे साथ आओ सब मिलकर स्ट्राइक करेंगे।